टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले विजेता एथलीट आज स्वदेश लौट रहे हैं। इन पदक वीरों के स्वागत में दिल्ली से लेकर इनके घरों तक जबरदस्त स्वागत की तैयारियां चल रही है। आज शाम दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इन पदक वीरों का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि आज शाम ये पदक वीर पहुंचेंगे आईजीआई एयरपोर्ट पर। नीरज चोपड़ा जो कि 5:30 के आसपास पहुंचेंगे और उसके बाद ध्यानचंद स्टेडियम में होगा स्वागत। और सीधे आपको हम ये चलते हैं पानीपत, जी हां, जहां पर नीरज चोपड़ा का घर है और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, वहां से कई तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं जब उस घर के बेटे ने स्वर्ण पदक जीता, वो भी तस्वीर आपने हमें दिखाई है, लेकिन ये बताइए आज जब उनका बेटा उनका लाडला घर पहुंचेगा जो कि अब पूरे देश का मान और सम्मान हो गया है, गौरव हो गया है, तैयारी कैसी? विजेता घर आ रहे हैं तो स्वागत सम्मान भी बिल्कुल अनूठा होना चाहिए। उनके पिता हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। माताजी, पिताजी और एक चाचू जाएंगे, दिल्ली जाएंगे एयरपोर्ट पर और कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल अलग है। अब वो कहां कहां जाएंगे, ध्यानचंद स्टेडियम जाना है तो वहां एक संभावित जगह देखकर कि कहां परिवार आज बेटे से मिल पाएगा उसकी तैयारियां होंगी। ये 20 सदस्यों का ये जो पूरा कुनबा है, 20 लोग रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और पूरा का पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। 24 घंटे ढोल की थाप चलती रही और किसी के पैर नहीं रुके। अब सुबह की तैयारियां हैं, सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं घर पर। ज्यादातर परिवार के सदस्य हैं वो इसी तैयारियों में हैं कि क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि बेटा घर लौट कर आ रहा है और इस बार बेटा कहीं घूम फिर कर नहीं, स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए लेकर के आया है। तो उनके पिता, उनके चाचा और उनके दूसरे चाचा, करीबन चारों भाई, उनमें से 3 कम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सतीश जी, बेटे को लेने जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि पूरे देश की नजर उस स्वर्ण पदक विजेता पर जिसने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। जी देखो, हमें अपार खुशी होगी, बस उस बच्चे के आने का इंतजार है, अपना पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा है चीयर करने के लिए कि कब वो बच्चा लौटे, हमें चीयर करने का मौका मिले, बहुत खुशी का मौका। इस बार कितने दिनों तक जश्न चलेगा, अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। चाचाओं की यारी भतीजों के साथ अलग होती है, वो जैसे जो दोस्त होते हैं, और आपकी तो उम्र भी काफी कम है, बहुत ज्यादा उम्र का फासला लगता नहीं है, तो चाचाओं की दोस्ती किस तरह से होगी? बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। कभी बच्चों के साथ हम लोगों ने हिटलर चाचा वाला एक आध रोल करना भी पड़ा कई बार ऐसा, लेकिन वो मेंटेन नहीं किया हम लोगों ने। तो खुशी इतनी है कि जो जिस परिवार में कोई बच्चा देश को गर्वित करा पाए, विदेशों में भी शोहरत दिला पाए, उस परिवार की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। तो यहाँ मैं बात करूँगा कि बहुत दिन तक ये सेलिब्रेशन चलने वाला है, क्योंकि गांव में भी इतने लोग गर्वित हैं, दशहरे की तरह किसी भी समय शुरू हो जाते हैं। दादी ने हमें बताया कि पोते के लिए वो चूरमा बनाने जा रही हैं, क्योंकि उनको चूरमा दादी के हाथ का पसंद है। चाचा क्या देंगे भतीजे को इस बार, इस जीत पर भतीजे को क्या तोहफा मिलेगा? जो मांगेंगे वही देंगे जी, उसकी इच्छा है, चाहे वो कुछ भी मांग सके मिलेगा। हाँ जी। चाचाओं को नाचते हुए नहीं देखा कल हमने, कहाँ रह गए थे सारे? सारे बिजी थे, इधर उधर थे। आप नाचेंगे आने के बाद? हाँ, आने के बाद खूब झूम के नाच के देशवासियों के साथ मिलजुल के खूब मौज मनाएंगे। ये जो खुशियों की भावना है और खासकर वो गर्व का मौका परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, उनके राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, तो बस पूरा परिवार जो है, जाहिर सी बात है जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त तैयारियां कर रहा है। और आपको बता दें, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दिल्ली से जैसे ही वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से लेकर उनके घर तक किस तरह की तैयारियां और स्वागत की तैयारियां हो रही है उसकी झलक भी आपको दिखाते हैं। देश पलक पांवड़े बिछाए विजेताओं का इंतजार कर रहा है। वो विजेता जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा शान से लहराया, भाले से सोने पर निशाना साधने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, 41 साल बाद ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम, 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली रामपाल की अगुवाई वाली महिला हॉकी टीम,
कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया, कुश्ती में कांस्य जीतने वाले और ओलंपिक समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ये सारे चैंपियन आज स्वदेश लौट रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रेसलर बजरंग पूनिया और रवि दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और दोनों हॉकी टीम विजेताओं की तैयारी के लिए दिल्ली से लेकर इन एथलीटों के घरों और शहरों तक भव्य तैयारी है। शाम 6:30 बजे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया है। यहां खेल मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 अगस्त को लाल किले पर ओलंपिक दलों को आमंत्रित कर चुके हैं। आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जहां तक खिलाड़ियों के दिल्ली पहुंचने की बात है तो कार्यक्रम के मुताबिक गोल्ड मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रोअर और हॉकी टीम शाम 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेगी। देश को इन विजेताओं का बेसब्री से इंतजार है, खासकर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण जीतकर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में देश को पहला ओलंपिक पदक दिलाया। नीरज के गांव हरियाणा में पानीपत के खंडरा में नीरज के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। नीरज की उपलब्धि से गांव के जर्रे जर्रे में एक रोमांच भर आया है। आज तो शादी भी और जन्म भी और तीज त्योहार भी सब मन रहे, सब एक साथ, हाँ, सब एक साथ मन रहे। जिसकी चाल भी ना उठ दिया तो मारे भी चाल उठ। तो बेटा तो भी आने में टाइम है, तब तक ना कब तक चलेगा नाचना गाना? पड़ जाएगी और इसीलिए माँ, दादी, चाची, बुआ, बहन, हर कोई बस थिरक रहा है। न सिर्फ ढोल नगाड़े से गूंज रही दरों दीवारें नीरज के स्वागत को उत्सुक हैं, बल्कि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का ये फिलहाल सूना पड़ा मैदान भी अपने सबसे होनहार खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है। इसी मैदान पर नीरज ने भाला फेंक की अपनी शुरुआती प्रैक्टिस की थी। पानीपत की जमीन ऐतिहासिक है और छत्रपति शिवाजी के नाम पर पड़ा ये शिवाजी स्टेडियम पानीपत का अब ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इसी जमीन पर जॉवलिन प्रैक्टिस करते करते एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में सीधा स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, ऐसा भाला फेंका कि देश के लिए झंडा ऊंचा कर दिया और अब वो पदक लेकर के हिंदुस्तान आएंगे। लेकिन अब इस मैदान में खेलने वाले हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं खुद को नीरज चोपड़ा से, स्टेडियम से जुड़ा हुआ पाएंगे। यहाँ वॉलीबॉल की भी व्यवस्था है, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, रनिंग ट्रैक भी है और जॉवलिन की भी प्रतियोगिता होती है, बॉक्सिंग क्लब भी है। लेकिन इन सब के बीच इस ऐतिहासिक मैदान से, पानीपत की जमीन से निकले एक योद्धा ने हिंदुस्तान का नाम विश्व में अमर कर दिया। बस चंद घंटों की बात है और ओलंपिक विजेता हम सब के बीच होंगे। पानीपत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और टोक्यो में 16 दिन तक चले ओलंपिक गेम्स का कल समापन हो गया है। इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने जहां पारंपरिक पोशाक पहनी थी, वहीं समापन समारोह में खिलाड़ी ट्रैक सूट में नजर आए। आखिरी दिन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक बने। अब आज भारतीय खिलाड़ी दिल्ली लौट रहे हैं। शाम 6:30 बजे उनके सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।
और ये तीन तस्वीरें आपको हम क्लोजिंग सेरेमनी के दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में जब अपना अपने राष्ट्र का ध्वज लेकर जो एथलीट्स हैं वो निकल रहे थे, जिसमें कि ध्वजवाहक इस बार हमारे यहां से बजरंग पुनिया बने। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, आपको बता दें कि अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर चंबा में कुदरत के कोहराम की तस्वीरें सामने आई है। चंबा में एक बार फिर पहाड़ दरका है, लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से चट्टान गिरने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है। गनीमत यह रही कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। पहाड़ों पर गिरती भारी भरकम चट्टाने, पहाड़ टूटने के बीच लोगों की चीख पुकार, दिल दहलाने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। चंबा जिले के भरमौर के मेहला क्षेत्र के बलोट में कल अचानक पहाड़ दरक गया और देखते ही देखते चट्टानों की बारिश शुरू हो गई। जो लोग वहां खड़े थे, कुदरत के इस विकराल रूप ने उन्हें किस कदर खौफ जदा कर दिया, उनकी आवाज सुनकर आप महसूस कर सकते हैं। पहाड़ से चट्टाने गिरने के इस मंजर को देखकर लोग सहम गए, भागने लगे। गनीमत रही कि बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में सड़क पर कोई नहीं आया, वरना फिर से किन्नौर की घटना दोहराई जा सकती थी। बलोट के प्रधान के मुताबिक गांव के एक शख्स ने इस आपदा में लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। उसने वक्त पर पूरे गांव को सचेत कर दिया। वो सुबह से जो पहाड़ गिरने लगा था और वहीं खड़ा था रहा बंदा, और उसने अलर्ट किए जब वहां से गिरने लगा, तब भी उसने पूरा सूचित किया लोगों को और कई जिंदगियां बचाई, नहीं तो आज बहुत नुकसान हो सकता था। करीब महीने भर से हिमाचल प्रदेश कुदरती आपदा का लगातार सामना कर रहा है। किन्नौर, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, इन चार इलाकों से पहाड़ दरकने से लेकर फ्लैश फ्लड की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। चंबा में तो पिछले हफ्ते भी पहाड़ दरकने की घटना हो चुकी है। किन्नौर में तो पहाड़ दरकने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। गनीमत है कि चंबा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। और अब बात कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हो रही लापरवाही की। जी हां, अभी कोरोना की तीसरी लहर टली भी नहीं है, देश में इसका खतरा टला भी नहीं है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के लागू होने के, लेकिन आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, विधायक और नेता ही इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी, तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। कोविड की तीसरी लहर का खतरा है तो क्या हुआ, इसके लिए तो नेताजी का जन्मदिन जरूरी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की तस्वीर है। ये भीड़ जुटी है इलाके के विधायक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के स्वागत में। तस्वीरें देखिए, किस तरह अबू आजमी अपने समर्थकों के हुजूम के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के लिए बाकायदा बग्घी पर जुलूस निकाली गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया।
तस्वीरें जब वायरल हुई तो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आजमी समेत 18 लोगों के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र अब तक कोरोना की मार से उबर नहीं पाया है। पूरे प्रांत में डेल्टा वेरिएंट के 45,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें कई मरीज मुंबई के हैं। ऐसे में एक जन प्रतिनिधि का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अबू आजमी इस मामले में अकेले नहीं है। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। कल कानपुर के बिठूर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में ज्यादातर के चेहरे से मास्क नदारद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तब हुआ जब कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है। बिठूर की जनसभा से पहले अध्यक्ष का गंगा बैराज पर जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भी वही नजारा दिखा। ये तस्वीर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है। देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा है। कल मौका हरियाली अमावस का था और आस्थावान लोगों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ पड़ी। न कानून का खौफ न कोरोना का डर। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो यूपी में हालात सामान्य हो गए हों, जबकि यूपी में अभी भी धार्मिक स्थलों के भीतर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी है। बेशक कोरोना की लहर थम चुकी है, जनजीवन सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये तीन तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोरोना संबंधी पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के लापरवाही भरे इस व्यवहार से डर पैदा होता है कि कहीं इसका खामियाजा फिर से देश को न भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। यूपी में सियासी रंग तेजी से चढ़ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर थे, जहां चुनावी माहौल का जायजा लिया, वहीं तैयारियों का रोडमैप तैयार किया। ये देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत है। ये 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी है। ये 2022 में लखनऊ की गद्दी की जंग है। यूपी का चुनावी बिगुल बन चुका है। नेता से लेकर कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अब 2022 के चुनावी दंगल की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि लड़ाई उस लखनऊ की है जो दिल्ली की किस्मत तय करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर है, जहां उन्होंने यूपी फतेह के रोड मैप की तैयारियों का जायजा लिया। आज आगरा में नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिला अध्यक्ष और लोकल नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपाई। किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी। किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत कितने फास्ट पड़ जाएगी। बहुत हमारे नजदीक लोगों के को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि सरकार तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552
ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल लखनऊ में जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की लड़ाई पर मंथन किया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझ में आता है। कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा खर्चा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। 4 घंटे लंबी चली बैठक में सभी विभाग के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर पहुंचे थे। लखनऊ आने से पहले मंत्रियों से 4 साल की कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। पार्टी जल्द विधानसभा प्रभारियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दे देगी। जो विधानसभा प्रभारी होगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस दौरान साफ हिदायत दी कि सभी मंत्री अपनी विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और जनहित में किए गए कामों को जनता को समझाने का रोडमैप भी तैयार करें। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों और विधायकों के कामकाज से सरकार खुश नहीं है उनका पत्ता काटने की भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के चुनावी माहौल में वार पलटवार का दौर जारी है। कोई किसी पर हमला बोल रहा है तो कोई किसी पर तंज कस रहा है। ऐसे सियासी दौर में जब आज तक के खास कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अब्बा जान वाला हमला बोला तो अखिलेश ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। अब अब्बा जान से शुरू हुई ये जंग टीपू सुल्तान तक पहुंच गई है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। सियासत में शब्दों के मायने होते हैं, या यूं कहें कि शब्दों पर सियासत होती है। तंज होते हैं, आपसी रंज होते हैं। उनके अब्बा जान तो कहे, अब्बा जान यहाँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, अब्बा जान यहाँ एक शब्द नहीं है, बल्कि अब्बा जान यहाँ एक चुनावी रंग है। अब्बा जान अपने आप में एक एजेंडा है, या यूं कहें बीजेपी का हिंदू कार्ड है, या फिर विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमी ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। सच कौन है और झूठ कौन है ये दुनिया जान रही है। उनके अब्बा जान तो कहते हैं। आज तक पंचायत में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकले इस अब्बा जान शब्द ने इशारों इशारों में अखिलेश की सियासत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हिंदू विरोधी होने का आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, राम मंदिर विरोध का आरोप, सब कुछ इस एक शब्द के तंज में छिपा हुआ था, जो अपने आप में एसपी की सियासत पर सूबे के सीएम का हमला था। पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास भी है। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। उनके अब्बा जान तो कहते हैं। आज तक पंचायत में योगी आदित्यनाथ इस शब्द का इस्तेमाल अखिलेश से जुड़े हुए सवालों के लिए कर रहे थे, जहां उनका इशारा अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह के लिए था। लेकिन अब इस अब्बा जान ने यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।
उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है।